गुरु हमेशा शिष्य की परीक्षा करते हैं, जैसे आचार्य दर्शन ने की थी, आचार्य गुरुदेव ने हमारी परीक्षा की थी। जब उनने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें अगर यहां पर आना हो, माने मेरे संग में आना हो, अपने संग में आना हो, तो आ जाना, लेकिन पहले घर पे जाना। और जब घर पे नहीं गए, आचार्य गुरुदेव के संग में आ गए, तो फिर आचार्य श्री ने आश्वासन दिया, अभी कुछ दिन घर पर रुको, चातुर्मास चल रहा, दीपावली के बाद आना, माता पिता को लेके आना। चातुर्मास के लिए घर पर चले गए, दीपावली हो गई, माता पिता को लेकर के आए, और फिर जब आकर के निवेदन किया तो गुरुजी कहते हैं अभी नहीं रख सकते हम। क्या कहते हैं? अभी नहीं रख सकते हम, अभी ये समय उचित नहीं है, अभी नहीं रख सकते हम। माने दो बार कहने के बाद में फिर अंत में फिर कहते हैं अभी नहीं रख सकते हम, और वो मना करते रहे, और इधर अपन कहते रहे, निवेदन करते रहे, और वो मना करते रहे, और मना करते करते विहार कर गए। उसी दिन विहार हुआ था जिस दिन उनके सामने में प्रस्तुत हुआ था, अंत में चातुर्मास का लास्ट दिन था, और विहार कर गए, परीक्षा कर रहे हैं। विहार करते करते करने के बावजूद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, और नहीं पीछा छोड़ा तो उसी के बाद वो कहानी ढंग से तो फिर कभी बताई जाएगी, लेकिन मैं जिस तरह से आगे बढ़ रहा हूं कि उन्होंने फिर बाद में आश्वासन दिया, चलो कोई बात नहीं, इंदौर आश्रम में अभी कुछ दिनों के लिए रुको, मेरा अभी बिहार चल रहा है, जब वहां रुक जाओगे उसके बाद जब मैं कहीं स्थायी हो जाऊंगा तो मैं तुमको बुला लूंगा, इतना आश्वासन देकर के उन्होंने इंदौर आश्रम में पहुंचा दिया। माने परीक्षा में सफल हो गया।